जैसे आप जानते हैं कि राजस्थान में आगमन हो गया था, लेकिन यात्रा को कुछ दिन रोका था क्योंकि वो अपने कार्यक्रम के लिए बाहर गए थे। आज वो धौलपुर होते हुए मध्य प्रदेश में जाएंगे और यात्रा लगातार आगे चल रही है। इसके बाद राजस्थान दोबारा आना होगा 7 तारीख को, फिर महाराष्ट्र गुजरात करने के बाद मुंबई में समापन है। यात्रा का उद्देश्य राहुल जी का पहले भी आप जानते हैं कि लोगों से जुड़ना है, जिनको न्याय नहीं मिला उनको न्याय दिलाना है, जो वंचित वर्ग है, महिला है, किसान है, नौजवान है, जिन लोगों की बात को सुना नहीं जाता उनकी आवाज़ को ताकत देने का काम राहुल जी कर रहे हैं। और राजस्थान में जैसे कि आप जानते हैं कि जब पिछली बार राहुल जी ने यात्रा की थी तो बहुत भारी व्यापक असर पड़ा था उसका। आज भी देश में जो हालात बने हैं, मैं समझता हूँ उसमें ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी लेकिन हमारा जो इंडिया अलायंस है उसको भी बहुत बल मिल रहा है। लगातार हमारे अलग अलग दलों के साथ सीट शेयरिंग के समझौते हो रहे हैं, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के साथ हो चुका है, और बहुत जल्द बिहार महाराष्ट्र में भी हम लोग अपनी सीटों का अनाउंस करेंगे। राहुल जी की कोशिश है कि 10 साल की जो सरकार है दिल्ली में उससे सवाल पूछें कि वो सरकार है जिसने 147 सांसदों को एक साथ निलंबित करने के बाद चोर दरवाजे से बिलों को पास किया पार्लियामेंट के अंदर, संवाद करते नहीं हैं, जवाब देते नहीं हैं, महंगाई बेरोजगारी पर ध्यान देने को तैयार नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि देश में बदलाव होगा। और अभी मैं हाल ही में 2-3 राज्यों में गया था, केरल में और आंध्र प्रदेश में, वहाँ पर भी मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा। हम लोग चाहते हैं कि सरकार की जवाबदेही तय हो, संवैधानिक संस्थाओं को जो धीरे धीरे जो नियमित रूप से कमज़ोर करने का जो काम कर रही है केंद्र सरकार, उसके खिलाफ जनता में आक्रोश है। और मैं समझता हूँ आज जो किसानों के साथ विशेष रूप से नौजवानों के साथ अनदेखी हो रही है उसका जवाब जनता देगी वोटों के माध्यम से। बहुत जल्द मेरे ख्याल अगले 2-3 दिनों के अंदर हमारी मीटिंग दोबारा होंगी और जो CEC है कांग्रेस पार्टी में सेंट्रल इलेक्शन जो कमेटी है वही अंतिम निर्णय करती है कि किस व्यक्ति को कहां से लोकसभा का टिकट देना है। और कई दौर की चर्चाएं हो चुकी हैं और बहुत जल्द मुझे लगता है कि दिल्ली से टिकटों के उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी। विधानसभा चुनावों में जो गलती हुई, क्या लोकसभा चुनावों में? देखिए, चुनाव में हार जीत होती रहती है, लेकिन भाजपा और कांग्रेस का जो जीत का अंतर है वो 1.5% है, तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था। और ऐसी बहुत सी सीटें हैं जहां पर मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को कामयाबी मिलेगी। और भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया रहा है और ये जो भाषण मैं देखता हूं कि 300 पार, 400 पार, 500 पार, अगर इतना मजबूत भाजपा अपने आप को समझती है तो फिर तमाम कांग्रेस नेताओं को या विपक्ष के नेताओं को अपने से जोड़ने की क्यों उन्होंने वो जिद पकड़ी हुई है? कहीं ना कहीं असुरक्षा जहन में है, क्योंकि वास्तविकता अलग है। यही 2004 में हुआ था जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो इंडिया शाइनिंग का नारा दिया था, इंडिया शाइनिंग करके उन्होंने चुनाव 6 महीने पहले करवाए और फिर सरकार कांग्रेस पार्टी की बन गई थी। आज धरातल पे लोग आक्रोशित भी हैं, असहज भी हैं, बोल नहीं रहे हैं क्योंकि वातावरण ऐसा बना हुआ है, किसके छापा पड़ जाए, किसके यहाँ पुलिस आ जाए, इनकम टैक्स आ जाए, ED आ जाए, CBI आ जाए, इन सब बातों से लोग सहमे हुए हैं, इसलिए बात खुल के बोल नहीं पा रहे हैं। लेकिन विपक्ष की एकता को देखकर NDA और BJP कमज़ोर हुए हैं। और हमें लगता है कि आप देखो इंडिया अलायंस की जो पार्टीज का वोट शेयर है वो 65% है, इसको देखकर BJP के अंदर कहीं ना कहीं जहन में खतरा पैदा हो चुका है और इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि माहौल बनाया जाए। CM भजनलाल का कहना है कि गहलोत सरकार खर्ची की सरकार। अब देखिए, मैं किसी पे कमेंट नहीं करता हूं, लेकिन पिछले 2-1 महीने में जो एक शुरुआती रुझान आता है नई सरकार, कोई भी सरकार जब नई बनती है तो एक सकारात्मक और एक पॉजिटिव मैसेज जाता है। ये सरकार मुझे लगता है ऐसा कर नहीं पाई क्योंकि खिंचाव भी है, कन्फ्यूजन भी है और एक प्रभाव जो है अफसरशाही ज़्यादा हावी है। पॉलिटिकली जो संदेश देना चाहिए था, एक बहुमत वाली सरकार जब बनती है तो एक कॉन्फिडेंस आता है, लेकिन वो बिल्कुल गायब है। और जनता भी से गांव में काम नहीं हो रहे हैं, गाँव में जो विकास के काम सब ठप कर दिए, जाँचें हो रही हैं, सब समीक्षा हो रही है, निरीक्षण हो रहा है, लेकिन काम नहीं हो रहा। घोषणाएं हो रही हैं, अब पानी को लेकर राजनीति की जा रही है, अलग अलग समझौते कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान के हितों की रक्षा कौन करेगा? चुनी हुई सरकार को करना चाहिए, स्पष्टता से बताना चाहिए, पारदर्शी तरीके से बताएं कितना पानी मिल रहा है, कितना मिलेगा। अब सिर्फ धन्यवाद हो रहा है, प्रचार हो रहा है और प्रोपेगेंडा हो रहा है, लेकिन पब्लिक सारी बातों को देख रही है।